तर त्याच्यानंतर विनंती असेल विचुंबे ग्राम पंचायतीचे ग्राम पंचायत सदस्य सुनील तुपे साहेबांना विनंती करतो आपण देखील यावा, आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल मायेची उबदार शाल। त्याच्यानंतर या स्पर्धेची आठवण अर्थातच भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुंबे सरपंच चषकचा एक सन्मान चिन्ह देऊन या स्पर्धेची आठवण त्यांना देखील सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर अण्णा चोरगे साहेब आपल्याला देखील विनंती असेल आपण देखील यावा, अण्णा चोरगे साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल। मॅच स्टार्ट असू द्या, इथे आमचे स्कोरर आहेत, थँक्यू। त्याच्यानंतर खऱ्या अर्थानं यशस्वी स्पर्धेचे रायगड जिल्ह्यातील नाईट स्पर्धा तुम्ही पाहता ते उसरली ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच हरेश भगत साहेबांना विनंती करतो आपण देखील यावं, आपल्याला इथे विश्वास भगत साहेब माफ करा। खऱ्या अर्थानं रायगड जिल्ह्यातील नामवंत खऱ्या अर्थानं इंडियन क्रिकेटरला आणण्याचं सौभाग्य ज्यांनी केलं, मागच्या वर्षी सूर्यकुमार यादव विनोद कांबळीसारखे महान खेळाडू तुम्ही पाहिलं ते विश्वास भगत साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर संतोष शेठ भगत साहेब शेलगर यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील यावा, उद्योजक आहेत शेलगर गावातील, त्यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर विनंती करतो विचुंबे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य अर्थातच अनिल शेठ भोईर साहेब आपण देखील यावा, अनिल शेठ भोईर साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर हनुमान मात्रे साहेब यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावा, आपला देखील इथे सन्मान केला जाईल। तर हनुमान मात्रे साहेबांना इथे सन्मानित केलं जाईल या स्पर्धेच्या वतीनं मायेची उबदार शाल आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर विठ्ठल मात्रे साहेब यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावा, विठ्ठल पाटील साहेबांना विनंती करतो आपण देखील यावा, आपल्याला देखील इथे सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर उसरली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य अर्थातच एक दमदार नेतृत्व गोरख धुमाल साहेबांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावा, आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल। तर गोरख शेख धुमाल साहेब विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य उसरली यांना देखील इथे सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर एकेकालचे दमदार फलंदाज MRI चेंडूवरती सांगून षटकार ठोकणारे अर्थातच आजही तीच धमक तुम्हाला पाहायला मिळते ते वालगावचे उद्योजक आदरणीय मदन शेठ घर साहेबांना विनंती करतो आपण देखील यावा, आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर त्यांच्या समवेत जयवंत भगत साहेब यांचं देखील आगमन झालं, त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावा, आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीनं आपल्याला देखील सन्मानित केलं जाईल। थोडीशी आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो, मान्यवरांचा इथे सन्मान झाला की लगेच मॅच तुम्हाला पुन्हा एकदा दमदार पाहायला मिळेल। तर भगत साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल, त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावा। त्याच्यानंतर वीट सप्लायर संजित भिंगारकर यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावा, आपला देखील इथे सन्मान केला जाईल। विचुंबे म्हटल्यानंतर अल्लोट प्रेक्षकांची गर्दी आणि त्याच्यानंतर हे आहे खऱ्या अर्थानं बलराम शेठ यांच्यावर असणारं प्रेम आणि या प्रेमापोटी तुम्ही ही दिग्गज मान्यवर मंडळी व्यासपीठावरती पाहायला मिळते। त्याच्यानंतर तर नक्कीच सी इनिंग झाल्यानंतर आम्ही बाकी मान्यवरांचा सत्कार करू। आणि व्हिडिओ कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये रायगड जिल्ह्यातील नामवंत निवेदक आणि उत्कृष्ट समालोचक MD गडगे महागुरु आता करा तुम्ही कॉमेंट्री सुरू। हॅलो, थँक्स प्रवीण। हॅलो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी सम प्रभ निर्विघ्न कुरुमे देव सर्वकार्यु सर्वदा। निश्चित स्वरूपात इथे पहिल्या षटकाची इथे समाप्ती निश्चित स्वरूपात झालेली आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर इथे गावदेवी उसाली क्रिकेट संघाची धावसंख्या झालेली आहे 1-14। आप दुर्वाले चोर से गेंदबाजी में यहाँ पर तब्दीली होती हुई, नए गेंदबाज हम देख रहे ऋषि और सामना करेंगे बल्लेबाज राकेश ऋषि। ये देखिए इस बार गेंद के ऊपर बिल्कुल प्रहार करना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, एक सफल गेंद की हुई समाप्ति। ये मैच खेला जा रहा है गावदेवी उसाली विपक्ष जय हनुमान दापोली क्रिकेट टीम के बीच में। दापोली क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करना पसंद किया है और बल्लेबाजी के लिए गावदेवी क्रिकेट क्लब उसाली क्रिकेट टीम को इस विकेट के ऊपर आमंत्रित किया है। ये देखिए इस बार गेंद को खेला बिल्कुल मिड ऑफ के रीजन में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात है, एक ही रन मिलेगा, एक से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है और इसी एक रन की मदद से बल्लेबाज
यहाँ पर राकेश भोईर पहुंच रहे। एक पर राकेश अपने पारी का श्री गणेश करते हुए राकेश ने अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या इसी एक रन की मदद से बिल्कुल टीम की रन संख्या 15। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए ऋषि होंगे तैयार। ये देखिए अच्छी गेंद थी, धीमी गेंद थी, बल्लेबाज को आगे रखा था, डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति। अभी भी रुका हुआ स्कोर है गांव देवी उसाली क्रिकेट टीम का, एक विकेट के नुकसान पर निश्चित रूप से 15। यानी कि बल्लेबाज हरेश मुंडे रन मशीन है बिल्कुल, वो जल्द आउट होकर पैड में लौट चुके हैं, लेकिन उसाली क्रिकेट टीम के बल्लेबाज आप खेलने के लिए तैयार होंगे। दिनेश मैन इन फॉर्म बल्लेबाज है, काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में उसाली क्रिकेट टीम के। हमारे स्टेज के ऊपर हम देख रहे दोस्तों अति बिल्कुल हमारे अति निश्चित रूप से आज के टुडेज हॉनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर यहां पर बिल्कुल भगत साहब भी मौजूद है, पूर्व सरपंच, उनकी ओर से भी दोनों टीमों के लिए हार्दिक शुभकामना। निश्चित रूप से यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे गेंदबाज ऋषि। दिनेश के लिए अच्छी गेंद थी, बिल्कुल धीमी गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई, लगातार दो गेंदे यहां पर डॉट गेंद करार होते हुए शानदार गेंदबाजी, यानी कि पांच गेंदे फेंक चुके हैं हमारे साथी स्कोरर सोमनाथ। हमें यहां पर जानकारी देते हुए कि पांच गेंदे ऋषि फेंक चुके हैं, बिल्कुल चार गेंदे डॉट फेंक चुके हैं, यानी कि अंतिम गेंद बची है और सामना करेंगे दिनेश। यहाँ पर दिनेश ये देखे स्वागत किया दिनेश ने, जैसे गेंद रडार में आई गेंद को सीधा फेंका, गेंद गई लॉन्गर सीमारेखा के बाद 6 रन के। थैंक यू डीजे। तर याच दरम्यान रोशन ट्रांसपोर्ट चे ओनर सन्माननीय अर्जुन शेठ पाटील साहेबांचं आगमन झालं, त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती। तर इथे आपण वाढदिवस साजरा करूया खऱ्या अर्थानं, केक कापून या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य खऱ्या अर्थानं, ज्यांच्या नावानं ही स्पर्धा घडवली जाते ज्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून। खेळ थांबवायचं 2 मिनिटं प्लीज। तर मित्रांनो खऱ्या अर्थाने आपण इथे पाहतो बिचुंबे गावाची क्रीडा क्षेत्र असो, शैक्षणिक क्षेत्र असो किंवा कुस्ती क्षेत्र असो, एक आन बान आणि शान म्हणून परिचित असणारे की ज्या प्रकारे नद्या संत वाहून शांतीचा संदेश देतात, खडकातून मार्ग काढून खलखलणारे झरे कठीण मार्ग काढून ध्येय कसे गाठाय सूचित करतात, त्याप्रमाणे आपण ते व्यक्तिमत्व पाहतो बलराम शेठ पाटील। तर इथे खऱ्या अर्थाने पनवेल तालुका कुस्तीगीर संघचे विद्यमान अध्यक्ष तथा पनवेल खऱ्या अर्थाने पनवेल तालुक्यामध्ये ज्यांचा आदर आणि सन्मान सातत्याने केला जातो ते बिचुंबे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच, की ज्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे, ते बलिराम शेठ पाटील साहेबांचा वाढदिवस इथे साजरा केला जात आहे। नवा गंध नवा आनंद निर्माण करीत प्रत्यक्ष यावा। तर निश्चित स्वरूपात नवा गंध नवा आनंद निर्माण करीत प्रत्यक्ष यावा, प्रत्येक सुख समाधानाने बलिराम शेठ आपला आनंद शतगुणित व्हावा, तुमच्या इच्छा आकांक्षांचा वेलू गगनाला भिडून दे, आणि मनात आम्हा सर्वांच्या उपस्थितांच्या एकच इच्छा बलिराम शेठ पाटील साहेब तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभून दे। आणि बलिराम शेठ पाटील साहेब असे व्यक्तिमत्व आहेत, पावसाळ्यात धुरला उडवणारे, हिवाळ्यात वातावरण तापवणारे, आणि उन्हाळ्यात एका नजरेमध्ये समोरच्या व्यक्तीला गार करणारे, वातावरण गार करणारे, दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस सन्माननीय माजी सरपंच बलिराम शेठ पाटील साहेबांना इथे शुभेच्छा दिले जात आहे। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू ला ला ला, हैप्पी बर्थडे टू यू ला ला ला, हैप्पी बर्थडे डियर बलराम पाटील सेठ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बलराम पाटील साहेब, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेनी हैप्पी रिटर्न सॉन्ग बलराम शेठ पाटील साहेबांचा वाढदिवस इथे साजरा केला जात आहे। पुन्हा एकदा शुभेच्छा, केल स्टार्ट, तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो याच बलिराम शेठ पाटील साहेब आपणास वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा। दुसऱ्या ओव्हरची हुई समाप्ती, टीम की रन संख्या गावदेवी उसाली क्रिकेट टीम की 21। नए गेंदबाज ये देखिए, इस बार जैसे गेंद रडार में आई गेंद को सीधा फेंक दिया, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन।
और इसी छक्के के साथ यहां पर गांव देवी भूसाली क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ एक विकेटों के नुकसान पर 27 यानी कि 27। गेंदबाज सचिन, ये देखिए गेंद हवा में जरूर है लेकिन मिड ऑन के रीजन में गेंद डाउन द फील्डर, अच्छा मौका था लेकिन प्रशांत ने कैच को बिल्कुल पूरी तरह से ड्रॉप किया। दो रन मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज राकेश और इसी दो रन के मदद से गांव देवी भूसाली क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ एक विकेट के नुकसान पर 29। एक अच्छी शुरुआत है लेकिन मैंने पहले कहा था कि एक्सपीरियंस क्रिकेटर है राकेश जब तक मैदान में है। बघा आम्ही सर्व संघनायकांना सूचित करतो सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओवर इथे खेळवला जाईल याची नोंद घ्या आणि तुमच्यासाठी एक एक रिव्ह्यू असेल याची देखील नोंद घ्या। ये देखिए इस बार गेंद को बिल्कुल गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, गेंद गई सीधा शॉट गली के रीजन में, फील्डिंग की गई फील्डर द्वारा, एक रन मिला। टीम की रन संख्या भूसाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर यहाँ पर बन चुकी है 30 यानी एक विकेट के नुकसान पर आउट होने लगे बल्लेबाज। दरमियान ग्राम पंचायत सदस्य गुरुनाथ म्हात्रे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती। त्यांच्या समवेत रोशन ट्रान्सपोर्टरचे ओनर सन्माननीय अर्जुन शेठ पाटील साहेब, आपल्याला देखील विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती। थैंक्स प्रवीण, यहाँ पर दिनेश का जिक्र करना होगा, कमाल का स्ट्रोक खेला बिल्कुल जबरदस्त है। इस साल के लिए बात करें विश्वास भगत सर, ये आपके गांव की टीम है लेकिन दिनेश का हम जिक्र करते हैं, छोटा तीर है घाव करे गंभीर, उसी तरह की बल्लेबाजी कर रहे मानो। और चौके के साथ गांव देवी भूसाली क्रिकेट टीम के रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई कुल मिलाकर बन चुके एक विकेट के नुकसान पर 34। सचिन जितेकर महंगे गेंदबाज साबित होते जा रहे सचिन, ओ दी विकेट, अच्छी गेंद थी बिल्कुल अंदर आती हुई गेंद थी लेकिन इस बार गेंद जा रही है शॉर्ट पाइन के रीजन में, अंपायर राणाव सर का इशारा आया बिल्कुल यहाँ पर ओवर की हुई समाप्ति, दूसरे ओवर की हुई तीसरे ओवर की हुई समाप्ति, तीन ओवर के समाप्ति के बाद पानी घेऊन जायचे मैदान, तत्पूर्वी ड्रिंक जाईल मैदानामध्ये। तर मान्यवरांना सन्मानित करूया, वेळ आहे आपल्याकडे। तर मी पुन्हा एकदा बलराम शेठ पाटील साहेबांना विनंती करतो आपण यावा, उर्वरित जे मान्यवर राहिलेत त्या सर्व मान्यवरांना इथे सन्मानित करूया। तर भिंगारी ग्राम पंचायतचे माजी सरपंच सन्माननीय परदेश साहेब यावा, आपण आपला आपल्याला इथे सन्मान केला जाईल। त्याच्यानंतर मदन शेठ गरत आपण यावा, आपल्या शुभहस्ते इथे सन्मान करावा। तर गजानन परदेशी साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल। तर गजानन परदेशी साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल। तर मदन शेठ यावा, आपल्या शुभ हस्ते इथे गजानन परदेशी साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं। त्याच्यानंतर अशोक साहेबांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावं, अशोक पाटील साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। तर सुनील तुबे साहेब आपण यावा, आपल्या शुभ हस्ते इथे खऱ्यार्थानं अशोक साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं। तर अशोक शेठ यावा, आपल्याला इथे सन्मान केला जाईल। त्याच्यानंतर आमचे संजय गुढे साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर राम वाघमारे साहेब आपण देखील यावं, खऱ्या अर्थानं सातत्याने विश्वास भगत साहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून एक चांगला योगदान साधित त्यांचा राहिलाय। तर वाघमारे साहेब आपण देखील यावं, आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मान केला जाईल। राम वाघमारे साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल। त्यांच्या समवेत संजय गुढे साहेब यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल। त्याच्यानंतर एकनाथ जाधव साहेब आपण देखील यावा, आपला देखील इथे सन्मान केला जाईल। गुढे साहेबांना इथे यथोचित मान सन्मान। त्याच्यानंतर जाधव साहेब आपण यावा, आपला देखील इथे सन्मान केला जाईल। तर विसुंबे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सतीश शेठ म्हात्रे आपण देखील यावा। तर सतीश शेठ म्हात्रे आपण देखील यावा, आपला इथे सन्मान केला जाईल। अर्थातच बलराम पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपला इथे मान सन्मान केला जाईल, आपण देखील यावा।
तर इथे सतीश म्हात्रे साहेबांचा मान सन्मान केला जाईल ग्रामपंचायत सदस्य विचुंबे। त्याच्यानंतर आम्ही विनंती करतो देवत ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच तथा एक दमदार नेतृत्व सन्माननीय संदीप शेठ वाघमारे साहेबांना विनंती करतो आपण देखील यावा। संदीप शेठ यावा, आपल्याला या स्पर्धेच्या वतीने सन्मान केला जाईल। तसेच राज साहेब लोटणकर साहेब यांना विनंती असेल की आपण देखील यावा, आपला देखील सन्मान केला जाईल। तर पूर्वी आपण संदीप शेठ वाघमारे साहेबांचा इथे सन्मान घेऊया। तसेच संतोष पाटील सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील यावा, आपला देखील इथे सन्मान केला जाईल। त्याच्यानंतर प्रशांत पाटील साहेब आपण देखील यावा, आपला देखील इथे सन्मान केला जाईल। तर त्याच्यानंतर नवीश एंटरप्राइजेसचे ओनर अर्थातच निलेश कांबळे साहेब आपण देखील यावं, आपला देखील इथे मान सन्मान केला जाईल। त्याच्यानंतर राज गोटणकर साहेब आपण देखील यावं। त्याच्यानंतर राम पाटील साहेब विचुंबे आपण देखील यावं, आपला देखील इथे सन्मान केला जाईल। तर राम पाटील साहेब विचुंबे आपण देखील यावं। त्याच्यानंतर विडीशेठ पाटील विपुल एंटरप्राइजेसचे ओनर अर्थातच एक दमदार नेतृत्व सातत्याने पाहिलं, त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावं। तर इथे निलेश कांबळे साहेबांना सन्मानित, त्याच्यानंतर विडीशेठ पाटील आपण देखील यावं, आपल्याला देखील इथे सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर गुरुनाथ म्हात्रे साहेब ग्रामपंचायत सदस्य विचुंबे आपण देखील यावं, गुरुनाथ म्हात्रे साहेबांना इथे सन्मानित केलं जाईल। त्याच्यानंतर आनंद गोंदली आपल्याला देखील विनंती असेल आपण देखील यावं। त्याच्यानंतर एकी राई मुन्ना भाई आपण देखील यावं, आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। इथे चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे गावदेवी उसाली क्रिकेट संघाची 2-44। तर तुकाराम म्हात्रे साहेब आपण देखील यावं, आपल्याला देखील इथे सन्मानित केलं जाईल। तर तुकाराम म्हात्रे साहेब यावं, आपला देखील सन्मान केला जाईल। निवृत्ती म्हात्रे साहेब, तर निवृत्ती म्हात्रे साहेबांना देखील विनंती करतो आपण यावं। तथा अर्जुन पाटील साहेब रोशन ट्रान्सपोर्टचे ओनर त्यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं। तर राम पाटील साहेब ग्रामपंचायत सदस्य विचुंबे आपण देखील यावं, आपल्याला देखील इथे सन्मान केला जाईल। आहेत ते नक्कीच आपल्याला स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील। पर एकूण आता जे सर्व आमचे मान्यवर आहेत बघा, तर सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण यावं इथे सम आपल्या शुभास्ते खऱ्या अर्थानं ज्यांच्या नावानं ही स्पर्धा सरपंच चषक घडवलं जात आहे ते खऱ्या अर्थानं बलराम पाटील साहेबांना आपल्या सर्वांच्या शुभास्ते इथे सन्मानित करूया। संदीप शेठ वाघमारे, विश्वजित भगत साहेब, संजय शेठ म्हात्रे साहेब, सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आपण यावं। सतीश शेठ आपण देखील यावं, प्रमोददा आपण देखील यावं, सर्व मंडळींना मान्यवरांना विनंती करतो आपण यावं। तर सर्वांना विनंती असेल आपण यावं। तर ज्यांचा खऱ्या अर्थानं सन्मान सर्व दिग्गज मान्यवरांच्या शुभास्ते इथे केला जाईल आणि त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी ही सर्व राजकीय क्षेत्रातील मंडळी तुम्हाला पाहायला मिळते। तर एकदा जोरदार टाळ्या मित्रांनो बलराम पाटील साहेबांच्यासाठी, एक दमदार नेतृत्व राहिले, कुशल संघटक राहिले देखील त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि वलिया मॅचकडे आता मात्र सर्व मान्यवरांचं सन्मान इथे संपलाय, जे येतील त्यांचा आपण नक्कीच करू, पण बोलूया आता मॅचकडे महागुरु एम डी गडीस यांच्याकडे। थँक्स या षटकाराच्या मदतीची। निश्चित स्वरूपात गावदेवी उसाली क्रिकेट संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 3-50, बिलकुल 51-51। निश्चित स्वरूपात 50-11 पार, निश्चित स्वरूपात अग्रेसर झालेला आहे। तीस बिलकुल अंतिम ओर आहे, क्योंकि मॅच खेळा जा रहा है, 5 ओवर का खेळा जा रहा है। तर अर्जुन शेठ पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। रोशन ट्रान्सपोर्टचे ओनर आहेत आणि त्यांचे सुपुत्र अर्थातच रोशन पाटील ग्रामपंचायत सदस्य आहेत विचुंबे। तर अर्जुन पाटील साहेब आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। तर अब नागेश गेंदबाज या बल्लेबाज के लिए तैयार होंगे उसाली क्रिकेट टीम के सबसे यानी कि डेंजर बल्लेबाज के नाम से गेंदबाज यहाँ पर बल्लेबाज जाने जाते हैं। नए गेंदबाज
शिवतेज गेंद अंदर की तरफ आती हुई, डॉट गेंद की हुई समाप्ति। अभी भी रुका हुआ स्कोर है, गांव देवी वसाली क्रिकेट टीम का 3 विकेटों के नुकसान पर 51। अब एक बार फिर से शिवतेज यहां पर गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार, नागेश भगत के लिए, नागेश खंडागले बल्लेबाजी के लिए तैयार। ये देखिए इस बार गेंद पे एक बार फिर से तेज तरार गेंद थी, बल्लेबाज को बीट करके गई, गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई, डॉट गेंद की बुझी समाप्ति। अभी भी रुकावट स्कोर है, गांव देवी उसाली क्रिकेट टीम की रन संख्या 3 विकेटों के नुकसान पर 51 यानी कि 51। ये देखिए नागेश ने बिल्कुल गेंद को हवा में उछाल दिया है, गेंद के नीचे डाउन द फील्डर, लौटना पड़ेगा। प्रशांत ने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ कैच को लपक लिया और इसी के साथ नागेश की पारी यहां पर समाप्त हुई। और नागेश की पारी यहां पर समाप्त हुई, निश्चित रूप से छक्के के साथ अपने पारी की शुरुआत जरूर की थी। अभी भी रुका हुआ स्कोर है, गांव देवी वसाली क्रिकेट टीम के रन संख्या 4 विकेटों के नुकसान पर यहां पर 51। अभी भी इस ओवर की शेष 2 गेंदे बचे, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अरुण अरुण भगत। ये देखिए गेंदबाज अपने दिशा से भटकते हुए अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद करार करते हुए अतिरिक्त रनों में हुई हुआ यहाँ पर इजाफा, इसी 1 रन की मदद से गांव देवी वसाली क्रिकेट टीम का स्कोर कुल मिलाकर बन चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर 52। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से होंगे तैयार। ये देखिए गेंदबाज का किया स्वागत, भव्य स्वागत, दमदार स्वागत, गेंद सीमा पार 6 रन। और छक्के के साथ टीम के रन संख्या गांव देवी वसाली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर बन चुके 4 विकेटों के नुकसान पर 58। तारीफ करने की बल्लेबाज राहुल छक्के के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए छक्के के साथ अपने पारी की राहुल ने की शुरुआत, राउंड विकेट। ये देखिए रनआउट का मौका बन सकता है और इसी के साथ बल्लेबाज रनआउट और ये 5वां विकेट मैदान से बाहर और अंपायर का इशारा आया, ओवर की हुई समाप्ति, इनिंग्स की हुई समाप्ति, 5 ओवर की हुई समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के बाद गांव देवी वसाली क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 5 विकेटों के नुकसान पर 58 और जीतने के लिए जानुमान क्रिकेट क्लब दापोली क्रिकेट टीम के सामने 5 ओवर में 59 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है और उसी लक्ष्य का किस तरह पीछा करके यहां पर दापोली क्रिकेट टीम के बल्लेबाज या उन्हें निश्चित रूप से रोकने में कामयाब होते हैं। वसाली क्रिकेट टीम के गेंदबाज उसका आगे का आंखों देखा सुनाने चलते हमारे साथी कॉमेंटेटर रॉकस्टार प्रवीण गायकर के पास चलते। छत्रपति पुनः एकदा मित्रांनो आपण सन्माननीय बलिराम शेठ पाटील माजी सरपंच बिचुंबे यांना शुभेच्छा इथे देण्याकरता इथे आलेला आहे वाढदिवसानिमित्ताने। बलिराम शेठ तुमच्या इच्छा आकांक्षांचा वेलू गगनाला भिडून दे आणि मनात भैरवनाथ क्रिकेट संघ बिचुंबे बिचुंबे ग्रामस्थांच्या एकच इच्छा बलिराम शेठ तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभून दे, यास आपणास वाढदिवसानिमित्ताने मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। तर पुन्हा एकदा बोलूया आमच्या रॉकस्टार प्रवीण गायकर आणि त्यांचे समवेत असतील भाया आणि तत्पूर्वी बोलूया आमचे डीजे नितीन डीजे जीतू यांच्याकडे। छत्रपतीचा शूर मर्दानो, शूर मर्दानो, शूर मर्दानो, छत्रपतीचा शूर मर्दानो, होऊ नका बेईमान, होऊ नका बेईमान, तुम्हाला शिवरायाची छाया रक्षणासाठी उचलली तलवार, रयते छाया रक्षणासाठी उचलली तलवार।
हॅलो, तर पुढची लढत असणार आहे बघा, इथे बामणडोंगरी विपक्ष भैरवनाथ क्रिकेट क्लब विसुंबे या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी लगेचच नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे. बामणडोंगरी विपक्ष विसुंबे हा शेवटचा पुकार असणार आहे. दोन्ही क्रिकेट संघाला निश्चित स्वरूपात आपण लगेच संपर्क साधावं. थैंक यू महागुरु. चलते हैं मुकाबले की तरफ. आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. जहां पर विचुंबे के सरजमी पर यह कुंभ मेला क्रिकेट का लगता हुआ. देखिए सुबह के सत्र में पहले मुकाबले में पर पहले दिन में काफ़ी दर्शकों की तादाद नजर आती हुई और यहाँ पर आज मजा आएगा पहले दिन के खेल में. जहाँ पर विचुंबे ग्राम पंचायत के माजी सरपंच जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह क्रिकेट का कारवा चलता हुआ. जहाँ पर ये 32 ग्रामीण टीमें 34 ग्रामीण टीमें आपके सामने पेश होगी और उनमें से ये पहला मुकाबला जय हनुमान दापोली बनाम गांवदेवी उसरली के बीच में सिक्का उछला. दापोली टीम के पक्ष में पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए रन ठोके. टोटल गांवदेवी उसरली टीम ने 58 रन और 59 रनों का ये बड़ा लक्ष्य 5 ओवरों में निर्धारित किया है यहाँ पर जय हनुमान दापोली टीम के बल्लेबाजों के सामने. तो सलामी जोड़ी प्रारंभिक बल्लेबाज यहाँ पर देखेंगे सुमित पाटिल और उनका साथ देंगे खुद टीम के सबसे सिर सरसेनापति जिन्हें कहा जाता है विशाल जितेकर खेलने के लिए तैयार. स्ट्राइक एंड पर सुमित, नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आप देख सकते हैं विशाल जितेकर और गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज किरण भगत. सबसे अनुभवी गेंदबाज सबसे अनुभवी खिलाड़ी कई सालों से उसरली टीम को एक अच्छा योगदान देते आए हैं और यहाँ पर देखिए उनकी पावर प्ले के ओवर में किस तरीके की गेंदबाजी बनती है. पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने बल्लेबाज होंगे सुमित पाटिल. पहली गेंद के ऊपर अनसाइड में बड़ा शॉट और यहां पर गेंद जाएगी स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के पार वन बाउंस ओवर द लाइन. अंपायर का इशारा आएगा. पारी की शुरुआत 400 के स्ट्राइक रेट ने सुमित के बल्ले से 4 रन. थैंक यू डीजे. 4 रनों के साथ दापोली टीम ने अपना खाता खोला. बल्लेबाज सुमित पाटिल ने अपना खाता खोला और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई बगर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 4 रन. पहले ही मैच में आपने देखा बैटिंग पैराडाइज ये विकेट और बिल्कुल यहां पर जबरदस्त ये विकेट बल्लेबाजों के लिए साथ देती हुई. और जब चिंतामणि वैद्य की ये विकेट होती है ना वो हमेशा बैटिंग पैराडाइज के लिए बनाई जाती है. और ये देखिए सपाट विकेट पूरी तरीके से ये पाटा विकेट बल्लेबाजों को पहले मैच में पहले इनिंग्स में दमदार साथ दी और यहां पर दूसरे इनिंग्स में रनों को चेस करते हुए शुरुआत बेहतरीन जय हनुमान दापोली टीम के बल्लेबाज सुमित पाटिल के माध्यम से. गेंदबाज किरण दुर्वाले छोर से तैयार. इस बार हाफ ट्रैकर की बॉल पावर प्ले का फायदा उठाते हुए आउटफील्ड बहुत तेज है लेकिन देखते देखते गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर बैक टू बैक दूसरा चौका सुमित के बल्ले से 4 रन. तो बिल्कुल पावर प्ले का ये फायदा उठाते हुए जानते हैं यहाँ पर बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका दिया जाता है. 38 सर्कल के बाहर दो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे एक डी बैकवर्ड स्क्वेयर ना माफ कीजिएगा एक स्क्वेयर लेग और एक लॉन्ग ऑफ. ये दो खिलाड़ी मात्र 38 सर्कल के बाहर है और ऐसे हालातों में चर्चा करेंगे इन पावर प्ले के ओवर में रनों को रोकना भी जरूरी होगा. ये फुल टॉस बॉल इसका भी फायदा उठाते हुए गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर और इस टूर्नामेंट की आज के दिन की पहली हैट्रिक गौरव हासिल करने वाले बल्लेबाज बने सुमित पाटिल के बल्ले से बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज. तो 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 12 रन. रनों को रोकना भी जरूरी होगा. अगर इस तरीके के रन खर्च करते जाएंगे तो शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उसरली टीम को. यहां भी काफी टप्पा था इस बार शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. चार गेंदों के ऊपर 4 चौके बटोरने में अब तक यहां पर कामयाब हो चुके हैं. तो बिल्कुल यकीनन देखेंगे पावर प्ले का पूरी तरीके के फायदा उठाते हुए यहां पर आप देख सकते हैं और उसी का फायदा शायद कहीं ना कहीं बल्लेबाज यहां पर लेते हुए 4 चौकों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां पर 16 रनों के ऊपर बल्लेबाज सुमित आक्रामक इरादे के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए
जीतने के लिए 59 रनों का टारगेट है। प्रति ओवर 11.80 की औसत से ये रन बनाने जरूरी होंगे। इस बार फिर से एक बार टप्पे को पीछे रखा, इस बार भी गेंद जाएगी सीमा पार, 5 गेंदों के ऊपर 5 बाउंड्री लगाते हुए। क्या ये पहले ही दिन के ऊपर 6 गेंदों में 6 चौकों का विक्रम बना पाएंगे? लेकिन 5 चौकों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 20 रन बगैर विकेट खोए नुकसान पर। थैंक यू डीजे। बिल्कुल इससे पहले गणेश पारवे के नाम पर के वाले टीम के 8 गेंदों में 8 चौकों का विक्रम है। ये फुल टॉस बॉल, जी हाँ, यहाँ पर 6 गेंदों में 6 चौकों का विक्रम। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें बल्लेबाज सरपंच ट्रॉफी 2021 यानी कि भरना ट्रॉफी में 6 गेंदों में 6 चौके लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हुए यहां पर सुमित पाटिल। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची 24 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। जय हनुमान दापोली। हॅलो हॅलो प्रवीण, जीवदानी ब्राह्मण डोगरी संघाचा कर्णधार आणि विचुंबे संघाचा कर्णधार, कृपया आपण टॉस बॉक्सशी संपर्क साधाव। तो चलिए नेक्स्ट मॅच होगा, जीवदानी ब्राह्मण डोगरी टीम के कप्तान तेजस मात्रे टॉस के लिए संपर्क करे, और विचुंबे टीम के कप्तान यहां पर मौजूद है। मागुर याद होगा पिछले 2 साल पहले स्वप्निल कांबळे इसी मैदान के ऊपर जब तालुका का मुकाबला खेला गया था, तो मेरे ख्याल से आजीवली टीम के सुदर्शन गायकर के नाम पर 6 गेंदों में 6 चौकों का विक्रम है। और बिल्कुल यहाँ पर 6 गेंदों में 6 चौकों का विक्रम करते हुए नामचंद बल्लेबाज सुमित। और इसी के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट, रन संख्या पहुंची है 24 रन। जीतने के लिए अब बची हुई 24 गेंदें और 35 रनों की आवश्यकता। वैशाली स्पोर्ट्स जीवदानी बामन डोंगरी विपक्ष भैरवनाथ 11 विचुंबे, इनके बीच अगली मैच होगी ए पॉल की यह मैच। लेकिन चलते हैं मुकाबले की तरफ, सेकेंड पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए यहाँ पर गावदेवी उसारली टीम की ओर से नागेश खंडागले गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। अच्छी बल्लेबाजी की नागेश ने, अगर एक बार उनके बल्लेबाजी के ऊपर नजर डालेंगे, आते ही 6 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत की थी और एक अच्छा योगदान मात्र अपने टीम के लिए देने में कामयाब हुए। राइट हैंड ओवर द विकेट्स एक्सप्रेस हाईवे एंड की ओर से पहली बॉल, बिल्कुल सम्मान दिया इस गेंद को, ये भी होता है जरूरी, इन अच्छी गेंदों को सम्मान देना जरूरी होता है। रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को सॉफ्ट हैंड से खेला, अपने आप को बचाने का प्रयास किया, जानते हैं थोड़ा सा रिस्क लेते विकेट गंवाने के चांसेस बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल के साथ नागेश खंडागले ने सेकंड पावर प्ले में अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए रनों को रोकना होगा। जो पहले ओवर में रन बटोरे बल्लेबाजों ने, उन रनों के साथ साथ अगर यहाँ पर इस ओवर में अगर रन आते हैं तो सुरक्षित रहेगी और भी मजबूत स्थिति में दापोली टीम। इस बार मौका बनेगा, फील्डर है शॉट फाइन लेग के रीजन में, और ये लीजिए जैसे ही नागेश खंडागले को कप्तान ने इन्वाइट किया गेंदबाजी के लिए और एक विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाते हुए ये पहला बड़ा छटका गावदेवी, माफ कीजिएगा, जय हनुमान दापोली टीम। हेलो प्रवीण, तर या ठिकाणी दोन कर्णधार आलेले आहेत, वैशाली स्पोर्ट्स जीवदानी ब्राह्मण डोंगरी संघाचे कर्णधार तेजस म्हात्रे, जे किंजल स्पोर्ट्सचे एक यशस्वी आयोजक, आणि भैरवनाथ विचुंबे संघाचे कर्णधार अवी पाटील। तर या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल रोशन ट्रान्सपोर्टचे ओनर अर्जुन पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते, विचुंबे विरुद्ध ब्राह्मण डोंगरी, कॅमेरा तर या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल वैशाली स्पोर्ट्स जीवदानी ब्राह्मण डोंगरी आणि भैरवनाथ विचुंबे या दोन संघांमध्ये। तर या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल वैशाली स्पोर्ट्स जीवदानी ब्राह्मण डोंगरी संघाने जिंकलेला आहे। तर तेजस म्हात्रे, काय निर्णय असेल आपला? क्षेत्ररक्षण करू आम्ही पहिले, क्षेत्ररक्षण समोर स्वप्निल कांबळे, विनोद भाऊ, अवी पाटील सारखे धुरंधर फलंदाज आहेत, तर कितपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? असा टार्गेट वगैरे काही सेट नाही केलाय, पण लढत ही मैत्रीपूर्वक लढत होईल, कारण की विचुंबा आणि आमच्यामध्ये जवळजवळ एक जवळजवळ बोललं तरी 20-22 वर्षापूर्वीचे संबंध आहेत, आणि जवळजवळ 10-12 वर्ष झाले आम्ही एकमेकांसोबत खेळतच आहोत। तर आपण एक यशस्वी स्पर्धा, किंजल स्पोर्ट्सच्या नावाने एक भव्य दिव्य आपली स्पर्धा असते, तर या स्पर्धेबद्दल आपण काय म्हणाल? नक्कीच, स्पर्धा 10 दिवस झाली, पावसाचा व्यत्यय आला होता, खूप जणांना वाटलं होतं की स्पर्धा पुढे ढकलावी, परंतु
लोकांनी खूप मदत केली, अविनाश वगैरे होता, विशाल वगैरे, आम्ही सर्वांनी खूप मेहनत करून ती स्पर्धा पूर्णपणे यशस्वी केली. ओके, धन्यवाद. अवि पाटील, समोर जीवदानी बामणडोंगरी संघ आहे, जास्तीत जास्त किती धावा जमवण्याचा प्रयत्न कराल? जास्तीत जास्त रन करण्याचा आम्ही प्रयत्न नक्की करू. ओके, धन्यवाद अविनाश पाटील, बेस्ट ऑफ लक. क्या बात है, आज भाया तो काफी अच्छा मूड में नजर आता, वो इतने बेहतरीन कमेंटेटर है, फिर भी शर्मा थी क्यों है इस बार. अच्छी गेंद, डीप लॉन्ग लेग के क्षेत्र में आउटफील्ड काफी तेज है, और यहाँ पर आते ही प्रशांत यानी पंडा ने अपने पारी की शुरुआत की, चौका भटोरा और चार रनों के साथ मात्र स्कोर कार्ड को आगे बनाते हुए. जहां पर इस ओवर में थोड़ा सा प्रेशर था, पिछली चार गेंदों के ऊपर अगर नजर डालेंगे, एक महत्वपूर्ण विकेट लेने में विशाल जीतेकर का कामयाब हुए थे गेंदबाज नागेश खंडागले, लेकिन उसके बाद चर्चा करेंगे. तो बिल्कुल यहाँ पर चौकों के साथ उस प्रेशर को थोड़ा सा हल्का सा कम करते हुए बल्लेबाज प्रशांत, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से नागेश, इस बार अच्छी गेंद, फील्डर आएंगे गेंद के नीचे, तब तक एक रन, बढ़िया ओवर अगर देखा जाएगा. गावदी भी उसर ली टीम की ओर से, और इसी के साथ पहले दो पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, और पहले दो पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 15.00 के औसत से 30 रनों के ऊपर. जीत के लिए लक्ष्य बताएंगे, 18 गेंदें बची है और 29 रनों की आवश्यकता. अठारह गेंदे बचे, 29 रनों की आवश्यकता, 29 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, और ऐसे हालातों में कप्तान किसके हाथों पर ये गेंद सौंपेंगे ये भी देखने वाली बात बनेगी. इसी बीच यहाँ पर आगमन हो चुका है हमारे अजय शेठ भोईर विचुंबे, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में इनकी ओर से पानी की व्यवस्था दी जाएगी, और वाटर सप्लायर से और इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से पानी की सेवा उपलब्ध दी गई है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. नेक्स्ट मैच बड़ा होगा बिल्कुल, भैरवनाथ 11 विचुंबे बनाम वैशाली स्पोर्ट्स जीवदानी बामन डोंगरी के बीच में एक बड़ा मैच होगा. एक घरेलू मैदान के ऊपर विचुंबे टीम खेलेगी, और तेजस मात्रे ने कहा था कि पिछले 20-22 सालों से हमारा संबंध अच्छा है, और निश्चित तौर पर एक जो दोस्त भावना होगी इस मैच में. लेकिन चलते मुकाबले की तरफ, यहाँ पर गेंदबाजी परिवर्तन, गेंदबाजी के मार्ग पर राहुल यहाँ पर आते हुए, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 29 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए. विकेट तो गिरा है विशाल जीतेकर का, लेकिन सुमित ने जो बल्लेबाज ने 6 गेंदों में 6 चौके लगाए, उस बल्लेबाज को रोकना होगा, उसके साथ साथ प्रशांत को भी रोकना बहुत जरूरी होगा. तीसरे ओवर की पहली गेंद, तेज बॉल डालने की कोशिश, टैप किया ऑन साइड में, यहाँ पर लॉन्ग ऑन का फील्डर तेजी के साथ उठाते हुए डीप में आकर, तब तक एक रन यहाँ पर बल्लेबाज पूरा करते हुए, और एक रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 31 रनों के ऊपर. 17 गेंदें बची है और जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता. मैच अभी भी बात करेंगे, दोनों भी टीमों के लिए 50-50 बैलेंस है, लेकिन इसीलिए आपको अपनी गेंदबाजी का स्टैंडर्ड काफी अच्छा दिखाना होगा, क्वालिटी गेंदबाज करनी होगी, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी. शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हवा में है, फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन ये गलती कर बैठे, क्या जरूरत थी ऐसे हालातों में, इन क्रूशल मूवमेंट में अगर ये गलती आप करते हो तो बिल्कुल ये गलती का खामियाजा आपको, पूरी टीम को, आपके गेंदबाज को भी भुगतना पड़ता है. जीवनदान मिला, जीवनदान के साथ साथ यहाँ पर बल्लेबाज ने रन भी पूरा किया, और इसी एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 32 रनों के ऊपर. 16 गेंदे बची है, 27 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए. राहुल फिर से एक बार तैयार होते हुए, इस बार शॉट अच्छा है, फील्डर है इस मरतबा, लेकिन कोई गलती नहीं. इससे पहले अगर कैच लेते महागुरु तो बिल्कुल 2 विकेट यहां पर गिर सकते थे, लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी से गलती हुई थी, लेकिन इस बार नागेश और से कोई गलती नहीं, और दूसरा छटका जानमान दापोली टीम को. बल्लेबाज प्रशांत बैक टू द पवेलियन. बिल्कुल यहाँ पर परेश अगर वो कैच ना छोड़ते तो दापोली टीम के ऊपर महागुरु शायद कहीं ना कहीं भाया थोड़ा सा दबाव बन सकता था, लेकिन नियतों को मंजूर नहीं था. जहाँ पर वो कैच छूटा परेश के माध्यम से, और मौका मिलता हुआ जो बल्लेबाज है जहाँ पर जिसकी निगाह सेट हो चुकी है, 8 गेंदों में 26 रनों की अब तक नाबाद पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए. समीकरण अब बदलता हुआ बच्चों भी, 15 गेंदे हैं और 27 रनों की आवश्यकता. मैच थोड़ी थोड़ी अपनी पकड़ में मजबूत करने की कोशिश इरादे करते हुए गावदेवी 11 उसारली टीम के गेंदबाज राहुल दूर वाले छोर से तैयार.
इस बार शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर है मौजूद हरेश मुंडे मिड विकेट में, कोई गलती नहीं। दापोली टीम को मिलता हुआ इस ओवर में लगातार दूसरा छटका। बल्लेबाज शिव तेज चितेकर बैक टू द पवेलियन। दीजिए क्या बात है, बिल्कुल यहाँ पर गाउदेवी ऊसरली टीम इस मुकाबले में मात्र अपनी पकड़ मजबूत करती हुई। अगर मैच बराबरी पर छूटता है तो बिल्कुल सुपर ओवर में ये मैच खेला जाएगा। ये बात सभी कप्तानों को ध्यान में रखनी है। क्या दमदार गेंदबाजी करते हुए राहुल ने इस ओवर में चार गेंदे फेंकी है और अब तक दो विकेट अपने नाम पर लेते हुए। अगर वो कैच लेते परेश तो बिल्कुल विकेट हैट्रिक पूरी हो सकती थी। और जो खिलाड़ी अब तक जीत के दीवार में अड़े हैं वो बल्लेबाज सुमित आउट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर सुमित जब तक है मैदान में तब तक जय हनुमान दापोली टीम बनी रहेगी इस मुकाबले में। जिस तरीके से चौकों की हैट्रिक लगाई थी सुमित ने, क्या विकेटों की हैट्रिक पूरी कर पाएंगे? यहाँ पर गेंदबाज राहुल, जीतने के लिए 14 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता। बल्ले का अंदरूनी किनारा, बाल बाल बचे बल्लेबाज मैं कहूँगा। अगर ये विकेटों के ऊपर गेंद जाकर टकराती तो विकेट यहाँ पर गिर सकता था। खुश नसीब रहे बल्लेबाज श्रेयस जितेकर, डॉट बॉल की समाप्ति। अब गेंदे बची है 13 और जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। क्या मैच है, क्या संघर्ष करती हुई गाउदेवी ऊसरली बनाम जय हनुमान दापोली ये दोनों टीमों के बीच में। ये फुल टॉस गेंद खराब जरूर है लेकिन फील्डर लाजवाब कैच, ओवर हैट्रिक कंप्लीट करते हुए गेंदबाज यहां पर राहुल। एक बार राहुल की गेंदबाजी पसंद आई हो तो जोरदार तालियां राहुल के लिए। मैच विनिंग ओवर होगा या नहीं ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन तीन ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 32 रन। पहले ओवर में ठोके थे रन, पानी लेकर जाइए मैदान में, पहले रन ओवर में ठोके, ओवर में रन ठोके थे 24, दूसरे ओवर में रन आए थे 6 और इस ओवर में रन आए सिर्फ 2 और 3 महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब हुए। और इसी के साथ तीन ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 32। अब जीतने के लिए 12 गेंदे और 27 रनों की आवश्यकता। थैंक यू डीजे, आमचे दापोलीचे तर याच दरम्यान दापोलीचे सन्माननीय अतिथी प्रशांत जितेकर तर इथे साहेबांचं आगमन झालंय, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तर नाही बल्लेबाज प्रशांत जितेकर बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए विकेट गवाई है टोटल 4। अब मैच में थोड़ी सी पकड़ मजबूत बनाती हुई बात करेंगे गाउदेवी 11 ऊसरली टीम। राहुल ने क्या शानदार गेंदबाजी की, अब दूसरे ओवर की कमान किसके कंधों के ऊपर होगी? या होंगे गेंदबाज यहां पर नागेश खंडागले या होंगे गेंदबाज राहुल, लेकिन इससे पहले कप्तान ने गेंदबाजी के इन्वाइट किया है यहां पर बिल्कुल नागेश के कंधों के ऊपर। दो ओवर की जिम्मेदारियां होगी टीम की ओर से चौथी और व्यक्तिगत दूसरी ओवर का कोटा फेंकने के लिए यहां पर आते हुए 12 गेंदे 27 की आवश्यकता। श्रेयस भी आउट होकर लौटे मैदान से बाहर। अब सलामी बल्लेबाज सुमित पाटिल अभी तक डटे हैं जिनके बल्ले से अभी तक टोटल 8 गेंदों में 26 रन निकले और चौकों की बात करेंगे 6 चौके अब तक इनके बल्ले से निकले हैं, जिसे इनसे गेंदबाजी काफी आक्रामक की थी एक्सप्रेस हाईवे एंड की ओर से। बिल्कुल उसी एंड से फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार आते हुए नागेश खंडागले। 12 गेंदों में 27 की आवश्यकता है। स्ट्राइक एंड पर सुमित है, नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रशांत जितेकर। ये जोड़ी को अब मिडिल ऑर्डर्स में अपने टीम को संभलना भी बहुत जरूरी होगा। पहली गेंद चौथे ओवर के फेंकने के लिए तैयार होते हुए नागेश खंडागले। हवा में गेंद, सफर है जारी लेकिन ये गेंद जाएगी स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा आएगा, यूजिट 6 रन। चलिए गेंद दीजिए मैदान में। बिल्कुल यहां पर शानदार स्ट्रोक, जो कैच छूटी है उसकी कीमत अब गिन रही होगी गाउदेवी 11 ऊसरली टीम। लेकिन देखेंगे, क्रिकेट है अनिश्चितता भरा खेल जाना जाता है। और मेरे ख्याल से जिस सुमित के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिस सुमित ने कयामत का कहर मचाया, उसी सुमित को मात्र अपने जीवन दान दिया और इसका भुगतान अब शायद भुगतना पड़ेगा ऊसरली टीम को। इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल, देखेंगे
38 रनों के ऊपर जीत के लिए अब 11 गेंदें बची है, 21 21 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी चिंता की लकीरें नजर जरूर है यहां पर, देखेंगे हुसरली टीम के खिलाड़ियों के ऊपर। सुमित के लिए, सुमित को आप देख सकते हैं जहां पर 355 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंदों का सामना किया, 32 रनों की अब तक नाबाद पारी, जहां पर जिस पारी में 6 चौके हैं और एक दमदार छक्का है इनके पारी में, और उसी पारी के बदौलत अब तक इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब हो चुकी है जय हनुमान 11 दापोली टीम। एक छक्कों के साथ थोड़ा सा प्रेशर कम करते हुए अपने ऊपर का, जहां पर 12 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता थी, अब 11 गेंदें बची है, 21 21 रनों की आवश्यकता। तैयार है खेलने के लिए सुमित, पूरी तरीके से कहते हैं जिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाना चाहिए, वो उस सोने का फायदा लेते हुए अपने टीम के लिए। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, नागेश कंडागले, इस बार अच्छी गेंद, जल्दी लाइन को पिक का कर लिया था बल्लेबाज ने, और गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सुमित के बल्ले से, और एक शानदार 4 रन। मेरा हाथ पड़ने से मार खाने वाला, जिंदा तो रहता है लेकिन जीने के लायक नहीं है। थैंक यू डीजे, बिल्कुल 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल यहाँ पर 42 रन। अब रन और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदें बची है, 17 रनों की आवश्यकता। जिस नागेश कंडागले ने दूसरे पावर प्ले में रन रोके थे, सिर्फ रन दिए थे 6 और एक विकेट इनके नाम पर था, उसी नागेश कंडागले के ऊपर कड़े से कड़े प्रहार करते हुए बल्लेबाज इस बार अपर कट खेला है। थर्ड मैन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और पूरी तरीके से इनफील्ड का फायदा लेते हुए गेंद सीमा पार, और एक शानदार चौका। थैंक यू डीजे, बिल्कुल यहाँ पर इसी 4 रनों के मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल 46 46 रनों के ऊपर, 11 गेंदों में 40 रनों की नाबाद पारी, जीतने के लिए 9 गेंदे और 13 रनों की आवश्यकता। यहाँ पर 10 रन और जुड़ पाते हैं बल्लेबाज सुमित पाटिल, तो इस भैरवनाथ ट्रॉफी का ये पहला अर्धशतक सुमित पाटिल के नाम पर हो जाएगा, लेकिन क्या रोकने में कामयाब हो पाएंगे नागेश खंडागले। तैयार इस बार हवा में गेंद, परफेक्ट ऑफ द मिडल, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा आएगा, युजित 6 रन। थैंक यू डीजे, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, 50 का आंकड़ा पार करती हुई यहां पर जय हनुमान दापोली टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 52 रनों के ऊपर, 8 गेंदें बची है और जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। 4 के लिए अर्धशतक से दूर होंगे यहां पर बल्लेबाज सुमित पाटिल, जिस सुमित पाटिल के बल्लेबाजी में 2 लंबे छक्के आपने देखे और टोटल 8 चौके इस पारी में, यानी कि क्या दमदार बल्लेबाजी अपने टीम के लिए यहाँ पर दिखाते हुए, क्या अपना अर्धशतक इस श्रृंखला का पूरा कर पाएंगे, जहाँ पर एक अच्छा योगदान कैच छूटने के बाद अपने टीम के लिए देते हुए। एक भी गेंद डॉट नहीं खेली है, थोड़े से निराश चेहरे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसली टीम के खिलाड़ियों के चेहरे के ऊपर, थोड़ी सी चिंता की लकीरें यहाँ पर नजर आती हुई, क्योंकि वजह एक है, जीवन दान थोड़ा सा मिला था और उसी जीवन दान की वजह से थोड़ी सी दमदार बल्लेबाजी। तला चेंडू लगे मैदान दिया उसीर घेऊ ना, मैच थामली जाती है, 25 रनों के ऊपर यहाँ पर कैच छोड़ा था, उसके बाद इस खिलाड़ी ने काफ़ी शानदार पारी खेली और लगभग 21 रन ठोके कैच छूटने के बाद, और ये रन जो है वो काफ़ी निर्णायक बनते हुए। चलिए गेंद दीजिए तुरंत मैदान के अंदर, जब कोई गुम गेंद हो जाती है तो बिल्कुल नई बॉल दी जाएगी, ये सभी कप्तानों को बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर नई गेंद के साथ फिर से एक बार शुरुआत करेंगे गेंदबाजी के लिए, क्या यहाँ पर नई गेंद के साथ क्या फ़ायदा ले पाएंगे बल्लर नागेश खंडागले, अब तक महंगे साबित होते हुए। एक बार इस ओवर के आंकड़ों के ऊपर नजर डालेंगे, पहली गेंद के ऊपर 6 रन, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, तीसरी गेंद के ऊपर चौका, और ये चौथी गेंद के ऊपर लंबा छक्का। तो जीत के लिए 8 गेंदें 7 की आवश्यकता, अर्धशतक के लिए 4 रनों की दूरी है। नागेश खंडागले राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, इस बार कट किया है गेंद को, फील्डिंग अच्छी हुई, अंतिम क्षणों में गेंद को रोका, लेकिन रन मात्र मिलेगा सिर्फ एक, और एक रनों की मदद से दोनों बल्लेबाज अपने छोर बदलते हुए, और मैच टीम का स्कोर बनता हुआ टोटल
चार विकेट के नुकसान के ऊपर 53 रन। एक समय लग रहा था चार विकेट जल्दी गंवाए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से फंस जाएगी, लेकिन जैसे ही मौका मिला बल्लेबाज सुमित को, सुमित ने अपना फायदा उठाते हुए टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 53 रन जीतने के लिए 7 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता। सुमित और प्रशांत ये गेंद बिल्कुल यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, अभी भी मुकाबले में बने रहने की कोशिश, और इसी के साथ ओवर नंबर 4th हुआ कंप्लीट। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 53 रन जीतने के लिए अब 6 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता। चलिए बिल्कुल इसके बाद तैयार रहिए और एक बड़ा मुकाबला आपके सामने पेश होगा जो घरेलू मैदान के ऊपर खेलेगी। भैरवनाथ 11 विचुंबे विपक्ष उनके सामने फाइट करेगी, वैशाली स्पोर्ट्स जीवदानी 11 बामन डोंगरी टीम खेलेगी। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, दुर्वाले छोर से संजय भगत को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए कप्तान ने इनवाइट किया है। जीतने के लिए 6 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता। क्या गावदे भी उस वाली टीम को बचा पाएंगे इस संघर्ष में मुकाबले में, और बिल्कुल यहाँ पर 6 गेंदों में अगर 6 रन रोकने में कामयाब हो पाते हैं तो ये बड़ा इतिहास होगा, क्योंकि जिस बल्लेबाज की निगाह सेट हो चुकी है उस बल्लेबाज को मात्र रोकना क्या इस ओवर में आसान हो पाएगा गेंदबाज संजय के लिए। 3 रन से दूर है अपने अर्धशतक से, 6 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता। लोवर फुल टॉस बॉल, फील्डर हरीश मुंडे तेजी के साथ गेंद के नीचे आएंगे, थ्रो अच्छा है लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन तेजी के साथ पूरे किए और इन 2 रनों की मदद से बल्लेबाज पहुंचे सुमित 49 रनों के ऊपर और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 55 रनों के ऊपर। 4 रन बचे अभी तक 5 गेंदों में जीतने के लिए यहां पर जय हनुमान दापोली टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से 1 रन से अर्धशतक से दूर है, ये लीजिए इसी के साथ शायद मुकाबला फिनिश भी हो सकता है और यहाँ पर पहला अर्धशतक सुमित पाटिल के नाम पर, सुमित पाटिल का बल्ला माशाल्लाह। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, सुमित बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकारे। वेरना ट्रॉफी का यह पहला अर्धशतक सुमित पाटिल के नाम पर, 15 गेंदे 53 रनों की माउंटेन पारी, वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशन टीम दापोली एंड हार्ड लक टीम गावदेवी उसरली। तर लाइनअप करून या गावदेवी उसारली क्रिकेट संघ, आपण या स्पर्धेतून मात्र बाहेर झाला।